अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तां दिसो पे कुकिंग शो में त सब खैरियत सां हूंदा। मज़ेदार रेसिपीज तां जे लाइ खणी ईंदा आहियूं, तव्हांजी फरमाइश पूरी कंदा आहियूं, पंहिंजी बि रेसिपीज तव्हां सां गॾु शेयर कंदा आहियूं। मौसम जे हिसाब सां जेका भाॼी अचे पई सीज़न में, त उहो बि ठाहिण सिखारियां पियो। अॼु ठाहियूं पिया भरी हुई भिंडी। भरी हुई भिंडी यानी भिंडी मसाला भरी हूंदी आहे, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी ठाहिण सेखारियूं आहिनि। हिन में असां विझंदासीं मूंगफली। मूंगफली ऐं थोरो डिफरेंट तरीक़े जो मसालो, तमामु मज़ेदार मसाला भरी भिंडी या भरी हुई भिंडी तव्हांजो नालो आहे। हुन सां गॾु ठाहियूं पिया कचे आलू के कबाब। हिकिड़ा असां ठाहींदा आहियूं पटाटनि जा कबाब, जेके बॉयल करे ठाहींदा आहियूं, ठीकु आहे। इहा कचे आलू के कबाब तमामु बहितरीन डिफरेंट तव्हांखे रेसिपी उहा ई लॻंदी जीअं तव्हां कीमे जा कबाब खायो पिया। ॿई रेसिपी सुभाणे 9 बजे रिपीट हलंदियूं। स्क्रीन ते हले पियो नंबर, हुनखे सेव करे वठो। काई बि फरमाइश करणी हुजे, कुझु पुछणो हुजे, कॉल करे पुछे सघो था। एनएक्स आहे असां सां गॾु। एनएक्स में आहे जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन वग़ैरह तव्हांजे साम्हूं यूज़ कंदा आहियूं, वठी सघो था। इनखां छा थींदो आहे, किचन में आसानी सां तव्हां रंधिणे में पंहिंजी शयूं ठाही सघो था। आज की जो रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स बनाना सिखाई हैं। तो भरी हुई भिंडी भी मैंने सिखाई है, स्टीम पे बनी हुई भिंडी भी सिखाई है, लेकिन ये भरी हुई भिंडी थोड़ी डिफरेंट है। मूंगफली के मिक्सचर के साथ इसको भरेंगे और ये बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त भरी हुई भिंडी, साथ ही कच्चे आलू के कबाब। ये आपको एक अलग से नाम नज़र आ रहा होगा, सुनने में आ रहा होगा, जैसे हम आलू के कटलेट बनाते हैं, आलू के कबाब बनाते हैं, ये भी कबाब बनेंगे लेकिन कच्चे आलू के बनेंगे। वो तरीका देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल लगेगा आपको कि कीमे के कबाब खा रहे हैं। तो दोनों रेसिपीज़ बहुत इजी हैं। कल सुबह 9 बजे भी ये प्रोग्राम अगेन रिपीट चलता है। कुकिंग विद फैसल हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। तमाम रेसिपीज़ प्रोग्राम के साथ वहाँ अपलोड हो जाती है, और स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उसको सेव करें, उस पर कॉल करें। कोई भी बात करनी हो, कुछ भी पूछना हो, कॉल करके पूछ सकते हैं। एनएक्स है, एनएक्स में है जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन वगैरह आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भिंडी की रेसिपी। भिंडी हमने 1.5 पाव आधा किलो, वो डिपेंड करता है आपको कितनी बनानी है। तो 1.5 पाव से आधा किलो भिंडी लेंगे। भिंडी के दोनों साइड हटाने के बाद आपने इसको कट लगाना है इस तरह, पहले वॉश करना है, ठीक है, वरना क्या होता है इसकी लेस निकलना शुरू हो जाएगी। पहले भिंडियों को धोएं, अच्छी तरह खुश करें, उसके बाद ये साइड और ये साइड दोनों हटा देना है। कट इतना लगाना है कि थोड़ा सा बैक साइड का छोड़ दीजिएगा, वरना पूरा लगाएंगी तो भिंडी खुल जाती है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1.5 पाव से आधा किलो जितनी भिंडी है, भिंडियों ठाहियूं पिया भरियल, अधु किलो या 1.5 पाव भिंडी खणंदो, हिनखे धोईंदो, धोइण खां पोइ खुश्क कजो। छाकाणि त जेका लेस निकिरंदी आहे न, अगरि आली भिंडी तव्हां कटे छॾी त लेस तव्हांजे हथनि में चिंबड़ंदी। हुन खां पोइ ॿई पासनि जा कट कंदो, हटाए छॾंदो ऐं भिंडी खे कट लॻाए छॾंदो। कट लॻाइण जो मक़सदु आहे की भिंडी में असां मसालो भरूं, लेकिन आख़िरी जेको पुछ वारो हिसो हूंदो आहे न, दुम वारो, उहो तव्हांखे थोरो छॾिणो हूंदो। अगरि पूरो तव्हां भिंडी खे खोले छॾंदो त मसालो हिन में बीहंदो न, निकिरी ईंदो, हिन शइ जो ख़्यालु रखिजो, ठीक है। अगरि पीछे का पूरा हिसो ई आपने खोल दिया न स्ट्रेट, तो भिंडी का मसाला निकलना शुरू हो जाता है। तो लास्ट का हिस्सा होता है वो थोड़ा आधा इंच छोड़ दिया करें, तो ये ग्रिप बन जाती है, ठीक है। ये भिंडियाँ हो गई। अब इसके लिए जो हमने मसाला बनाना है ना, ग्राइंडर में भी कर सकती हैं और इमाम दस्ते में भी कूट सकती हैं, ठीक है। उखरी मोरी भी इस्तेमाल कर सको था, असा मशीन इस्तेमाल करना आयूँ एनएक्स की। तो इतने आए मोट ग्राइंडर, इनमें असा छा विझंदासीं मूंगफली। मूंगफली हम यहाँ पर लेंगे 1/2 कप, ठीक है, छिली हुई मूंगफली। अगर छिली हुई नहीं है, छिलका हटा के आपने मूंगफली को छील लेना। ठीक है, ये हो गया। ये छीलने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे प्याले में डाल देना ये मिक्सचर मूंगफली, ठीक है। पाउडर नहीं मिलेगा आपको, मूंगफली छीलनी पड़ेगी। हाफ कप मूंगफली है, भुनी हुई, कच्ची ना हो, ठीक है। भुगल मूंगफली अगर कच्ची भी मिले थी तो तए जे मथां थोड़ो उनके सेके वठंदो, अगर कच्ची मिल रही है ना छिली हुई मूंगफली, तवे पे फ्राइंग पैन में थोड़ा सा सेक लेंगी, हल्का सा रोस्ट हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद आपने ग्राइंड करनी, ठीक है। अब इसमें क्या डालने वाले हैं, अब हम इसमें डालने वाले सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च 6 से 7 दाने, लौंगी मिर्च 6 का 7 दाना, साबित धनिया 1 खाने का चम्मच और सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच से 1.5 चाय का चम्मच जितना लीजिए। साबित धनिया 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1.5 चाय का चम्मच, साबित धाणा गोल वारा 1 टेबल स्पून, 1 खाइण जो चमचो ऐं 1.5 चाय जो चमचो अछो ज़ीरो, ठीक आहे। ऐं लौंगी मिर्च हिन में विझी छॾंदासीं 6 खां 7, 6 से 7 इसमें डाल दिए हैं लाल मिर्च साबित, इनको भी कर देंगे ग्राइंड। अगर ग्राइंड नहीं कर सकती तो तमाम चीज़ों को आपने इमाम दस्ते में कूट लेना, उखरी मोरी में भी कूटे ठाई सको था अगर मशीन ना है था। साबित
साबित लाल मिर्च की जगह आप कुटी हुई लाल मिर्च भी एक चाय का चम्मच इसमें यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। साबित लाल मिर्च की जगह कुटी हुई लाल मिर्च भी आप एक चाय का चम्मच यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। हे मसाला थी भैया, अब इसमें क्या मिलाने वाले, अब इसमें मिलाने वाले 3 खाने के चम्मच बेसन, 3 खंड चमचा बेसन, ठीक है। बहुत इजी है और बहुत ही मज़ेदार ये बनेंगी भिंडियाँ। 1, 2, 3 3 खंड चमचा बेसन हली हुए, 3 खाने के चम्मच बेसन मिलाने के बाद अब इसमें क्या मिलाएंगे, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय के चम्मच से थोड़ा कम हसबे ज़रूरत आपने लेना है, गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय के चम्मच से कम, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, चाट मसालो 1 चाय जो चम्मच, लूण 1 चाय जो चम्मच का घट, गरम मसालो पाउडर, पीठल गरम मसालो, पीठल हेड 1/2 चाय जो चम्मच, ठीक है। चाट मसालो 1 चाय जो चम्मच, लूण 1 चाय जो चम्मच का घट, जीरो गरम मसालो पाउडर, हेड 1/2 चाय जो चम्मच। ये मसाले मिला दिए, इसको अच्छी तरह मिक्स करें मसाले को। उसके बाद हम इसमें क्या मिलाने वाले, लहसुन बारीक कटिंग किया हुआ लहसुन चला जाएगा, चॉप किया हुआ बारीक कुटा हुआ लहसुन भर के डालेंगे 2 चाय के चम्मच, थूम 2 चाय के चम्मच कुटे विच जो, ठीक है। कुटी हुई लहसुन 2 चाय के चम्मच, लहसुन से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर इसकी जगह लहसुन पाउडर आपके पास मौजूद है तो वो 1 चाय का चम्मच आप डाल सकती हैं। थूम जो पाउडर भी मिलंदो अगर मौजूद आए तो 1 चाय जो चम्मच विझंदो, वरना ज़रूरत ना है। अच्छा, इसमें क्या है कि जो मिर्चों का टेस्ट आ रहा है ना वो आएगा साबित लाल मिर्च जो हमने पिसी हुई, अगर वो नहीं तो कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच चली गई, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे लेमन का जूस, लेमन का जूस इसमें कितना जाएगा, यहाँ पे 3 से 4 खाने के चम्मच लीमे जो रस, 4 खाने के चम्मच, ठीक है। 4 खाने के चम्मच लीमे जो रस, लेमन जूस से क्या होगा, ये मसाला थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा, भरने में भी आसानी होगी, ठीक है। 3 से 4 खाने के चम्मच लेमन जूस। कलर देने के लिए आप कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकती हैं इसमें, ठीक है। अगर आपको कलर थोड़ा रेडिश टोन में चाहिए तो कश्मीरी लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकती है। मसाला थोड़ा सा गीला हो गया, बहुत ज़्यादा इसमें पानी का छींटा वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, पानी जो छंडो का शेन में ना विझंदो, ठीक है। ये सारा अच्छी तरह इस तरह मिक्स करें, ये देखें मसाला बन गया, ये आप भरेंगे भिंडियों के अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। साबित लाल मिर्च डालेंगी तो 6 से 7, और अगर कुटी लाल मिर्च डालेंगी तो 1 चाय का चम्मच। चाट मसाला है, कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी वगैरह सबका बहुत अच्छा फ्लेवर बन के आएगा। अब इसके बाद हमने जो भिंडी कट लगाई थी ना, इसके अंदर ही मसाला बहुत आराम से एहतियात से आपने इस तरह भरना है ताकि मसाला जो है वो भिंडी के अंदर भर जाए और भिंडी टूटे ना, ठीक है। अच्छी तरह आराम आराम से ही भरते जाएं मसाला भिंडी के अंदर इस तरह, और हाथ से सेट करते जाएं, ठीक है। मसालो भिंडी के अंदर भरंदा विंदो, इन तरीके से सेट कंदा विंदो, तमाम आसान तमाम बेहतरीन रेसिपी है, जल्दी ठहण वाली रेसिपी है, ठीक है। किस तरह के कट लगाएंगे, बहुत एहतियात से आपने इस तरह, देखिए मसाला गीला है ना थोड़ा सा, ये चिपकना शुरू हो जाएगा, इस तरह करके सारी भिंडियों को आपने खोलना है हाथ से, बहुत ज़ोर से नहीं खोलिएगा कि मसाला इसका टूटना शुरू हो जाए। अभी मैं भिंडियां भरने के लिए दे देता हूँ ताकि जब तक भिंडियां हमारी भरी जाएंगी हम सेकंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हे भिंडियों में मोकले तो चना, जैसे ही भिंडियों भर भी आई असां भी रेसिपी स्टार्ट तक आप मुझे भिंडियां सारी भर के दें आराम आराम से, सारा मसाला इसमें इस तरह भरेंगे सारा मसाला इसके पूरा हो जाए, ठीक है। अब हम बनाते हैं कच्चे आलू के कबाब। कच्चे आलू के कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो आलू चॉप किया हुआ, ठीक है। 1 किलो आलू छोटे टुकड़ों में चॉप किया हुआ, 1 किलो पटाटा बारीक कटिंग करे वठंदो, ये चॉपर में ही बनेंगे, ठीक है। जिनके पास चॉपर है वही बना सकते हैं, कद्दूकश करके भी बना सकती हैं आलू को, अगर ये नहीं है तो कद्दूकश करेंगी आलू को, लेकिन हमारे पास चॉपर है तो हम चॉपर में बनाएंगे। 1 किलो आलू है, को चलाएंगे 2 हिस्सों में करके बनाते हैं, ठीक है। 1 किलो पटाटा, 1 बॉल में निकालते जाएंगे साथ साथ,
गुठली नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर गुठली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पीसेस बारीक थी वनन, चंगी तरह हलाइन दो इनके। अच्छी तरह चल गया, इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, इसको हमने छानना है मलमल के कपड़े में, तो मलमल का कपड़ा घर में मौजूद होता है इस तरह, ठीक है। मलमल का कपड़ा लेना है, ये आपने बिछा देना है प्याले पे, ठीक है, इस तरह। मलमल जो कपड़ों खंड जो वाइट कलर जो अच्छे कलर जो हो जाए, क्योंकि इसका पानी हमने सारा निकालना है, पानी निकलेगा तो ये कबाब बनेंगे। ये थोड़ी सी मेहनत है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बनते हैं, ठीक है। कच्चे आलू के कबाब कहते हैं इसको, जैसे कच्चे कीमे के कबाब होते हैं उस तरह ही आलू के बनते हैं। ये हो गया, अगेन 1 किलो आलू होने चाहिए आपके पास, 1 किलो पटाटा उजड़ खपन। अब ये आलू डालें, पानी नहीं जाए चॉपर में, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है आपने, पानी चॉपर में नहीं जाना चाहिए। अब दोबारा इसको भी चला देते हैं। थोड़ों को साइड्स का लाए जो, ताकि को मोटा पीस रह जी ना होना। तरह का मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है, दानेदार सा। ये हो गया, और अगर ये नहीं है तो बारीक वाला जो कद्दूकश के दो हिस्से होते हैं ना कद्दूकश करने के सांचे में, तो आपने बारीक वाला हिस्सा लेना है, ठीक है। तो कद्दूकश करके भी आपने बनाएंगी तो आपके बन जाएंगे कबाब, ठीक है। अगर तव्हां वटि मशीन ना है त कद्दूकश कंदा आहियूं जीअं गजरुनि खे हलवे जे लाइ, हुन तरीक़े सां तव्हां कद्दूकश कंदो ऐं हुनजे बाद तव्हां हिनखे ठाहींदो। ये हो गया, इसके बाद हमने इसको नचोड़ के इस तरह उठाना है, पोटली बनानी है, उसका सारा पानी निकाल देना आलूओं का। ये देखिए, अब ये जो आलू का पानी है ये भी आपके काम आएगा, ठीक है। पिंपल्स हो रहे हैं, रैश हो रहे हैं स्किन पे, सनबर्न हो रहा है, तो आप इसका पानी लगा सकती हैं। पैरों पे लगाएं, पैर बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, ठीक है। इस एड़ियाँ फट रही होती हैं या सर्दियां हैं जैसे, या आपको चाहिए इसका मॉइस्चराइज़र बनाना है, तो ये पानी आप अच्छी तरह स्किन पे, बाजुओं पे, गले पे, आगे पीछे नेक पे लगाएं और पाँव पे लगा के थोड़ी देर छोड़ दें, उसके बाद धोएं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, बहुत फ़ायदा देती है। इन्हें जो जो पानी है ना ये ज़ाया न कजो, गर्दन ते, मुँह ते, बाहुन ते, जी तांके उस जो सनबर्न थे पे हो या खुश्की थे पे स्किन में या फेस ख़राब पियो थिए, त हितां जो आलू जो पाणी पेरनि जे लाइ, एड़ियुनि जे लाइ तमामु बहितरीन आहे। लॻाई 15 मिंट छॾिजो, हुन खां पोइ थधे पाणी सां धोईंदो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, देखें अच्छी तरह इसमें कितना पानी निकला है, तकरीबन 2 कप 1.5 कप पानी निकले। जितना ज़्यादा इसको दबाएंगे, घुमाते जाएंगे, पानी हमने निकालना है, पानी निकलेगा तो कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। मलमल का कपड़े से ही करना है, मलमल का कपड़ा मिल जाता है, दुपट्टा हो वाइट मलमल का उसमें भी आप कर सकती हैं, कोई ख़राब नहीं होगा, वो दोबारा वॉश कर लें। लॉन के दुपट्टे में भी कर सकती हैं, लेकिन कलर वाले में नहीं, कपड़े में करना है, क्योंकि कपड़ा कलर छोड़ता है। देखिए सारा इसका अच्छी तरह निकाल दिया मैंने पानी, ठीक है, पानी जो कढ़ी छोड़ो आ, हाँ पानी ज़ाया न कजो, ये तुम हथ पैर बाहूँ बारन के लिए पान घरवारा ये लगाओ, 15 मिंट का धोई छोड़ो, तमाम तक फ़र्क पो स्किन पर, बहुत फ़र्क पड़ेगा स्किन पर, आपको खुद ही अंदाज़ा होगा, स्किन ग्लो करने लगेगी। ये करने के बाद इसको निकालते हैं आलूओं को प्याले में, ठीक है, इस तरह बिल्कुल खुश्क बुरादे टाइप का निकलना चाहिए, ठीक है। कपड़े को अच्छी तरह धो के फिर आप रख दें दोबारा, ये तो काम आता है पुलाव वगैरह में, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। अब उसी चॉपर में आपने क्या करना है, अगेन उस चॉपर को हम यूज़ करेंगे, आलू वाला पानी निकल जाए इसको दोबारा लगाते हैं। हिन में हाँ ठाईंदी फिर इसे जो होनी में ब्लेड डाला इसका। अब हमने लेना है इसमें प्याज, ठीक है, 3 अदद हरी मिर्चें ले लें, ठीक है, मोटी वाली हरी मिर्चें 3 अदद ले लें, 2 बड़े प्याज आपने ले लेने चॉप कर लें, 3 सावा मिर्च, 2 बसर,
ठीक है पटाटा ठाई वरता हाँ इन जो इस्तेमाल कंदासी एक दफा साइड्स इसको उतारें ताकि इसके कोई पीस बड़े ना रह जाए मोटे पीस ना रह जाए। इसी तरह आपने प्याज और हरी मिर्च को दोबारा चलाना है। साइड्स उतारो एक दफा और चलाएंगे उसके बाद ये आलू में मिक्स कर देंगे। हाँ ये मिक्सचर कटंदी आए जो पानी ना है कटना। अब इसका पानी हमने निकालेंगे क्योंकि जो इसकी बाइंडिंग होगी ना आलू का हमने पानी निकाल दिया, प्याज का जो पानी है ना वो इसमें मॉइस्चर बनाना है और उससे ये कबाब आपके बड़े परफेक्ट बनेंगे। ठीक है अब जो प्याज का मिक्सचर है ना इसमें नमी रहने देनी है, इसकी नमी नहीं निकालनी हमने। ये ना कीजिएगा कि इसका भी पानी आप निकाल दें, अगर इस तरह नहीं कर सकते हैं तो प्याज को कूट लें बारीक बारीक। ठीक है अगर ये मशीन नहीं है तो उखरी मोरी में बसर के कुट्टे बारीक कुट्टे सावा मिर्च बसर। अब ये हो गया मिक्सचर हमारा। अब इसमें हमने क्या मिलाना है ये आपने गौर से देखना है। बहुत सारी चीज़ें घर की हैं, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है कि आपको बनाने में मुश्किल हो। ठीक है थोड़ी सी जगह साफ़ करी बैठा हाँ इनमें मसाला भी जंदासी। ठीक है अब इसमें हमने मसाले डालने, मसाले इसमें जाएंगे डेढ़ खाने का चम्मच साबित धनिया कुटा हुआ, डेढ़ खाने का चम्मच साबित धनिया कुटा हुआ, एक चाय का चम्मच भर के एक से डेढ़ चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला एक चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक एक चाय का चम्मच और ज़ीरा कुटा हुआ एक चाय का चम्मच, साबित धनिया कुटा हुआ दो खाने के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च डेढ़ चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक एक चाय का चम्मच, ज़ीरा कुटावा भर के एक चाय का चम्मच। मसाला सजा असाजे घर में मौजूद हों जो तुम विझन साबित धाणा गोल वारा कुटे विझन बखण जो चमचा, कुटियल गाढ़ा मिर्च डेढ़ चाय जो चमचो, पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, गरम मसालो पाउडर अध चाय जो चमचो, चाट मसालो अध चाय जो चमचो, हेड अध चाय जो चमचो, कारा मिर्च पीठल अध चाय जो चमचो, लूण एक चाय जो चमचो। ये सारे मसाले डाल दिए, शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ पे हाथ रोक रहा हूँ, बाकी क्या चीज़ें जाएंगी वो ब्रेक के बाद बताऊँ। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेके हिन में मसाला विधा पिया कुझु बाक़ी आहिनि पहिरीं वठूं था कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके लाइन ड्रॉप हो गई। अब हमने क्या करना है यहाँ पे इसमें डालना है, देखें कुटे हुए मसाले डाल दिए। ठीक है अब इसको बाइंडिंग करने के लिए हमें चाहिए मैदा आधा कप या 6 खाने के चम्मच छान के मैदा डालना है। मैं 2-6 खाने का चमचा 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 खाने के चम्मच या आधा कप। ठीक है इस तरह आपने 1/4 कप मैदा डालना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से बाइंडिंग होती है और क्रिस्पी बनते कबाब। जब भी आलू के कबाब बनाती हैं या चिकन के कबाब कुछ ऐसे बनाती हैं कॉर्नफ्लोर ज़रूर डाला करें, इससे क्रिस्पी कोटिंग होती है, अंदर से सॉफ्ट रहते हैं और टूटते नहीं हैं। ठीक है तो यहाँ पे हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच 1 और 2 फुल इस तरह भर के कॉर्नफ्लोर। ठीक है 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, लेमन जूस जाएगा इसमें 1 से 1.5 चाय का चम्मच, लीमे जो रस 1 का 1.5 चाय चम्मच, हरा धनिया डाल देंगे इसमें 3-4 खाने के चम्मच बारीक कटिंग किया हुआ, सावा धाणा 3-4 चाय चम्मच बारीक कटिंग थे आई इनके मिक्स के था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वाले सलाम जी अदा केड़ा आलम। मां बिल्कुल ठीक ठाक कह रहे हैं कि था गलायो पया मुकद्दस बलूचिस्तान फ्रॉम विंदर। जी जी छा हालें ताजो ठीक आयो जी अलहमदुलिल्लाह ठीक ताम उदायो विंदर का गलायो पया जी। विंदर जा चीकू डाडा मशहूर है ना इते कराची में, चीकू ते फ्रूट जेको होंदो ना डाडो मशहूर है विंदर जो। हेलो हेलो आवाज अच्छे पे मुंजी जी जी मां चा पियो विंदर जो फ्रूट जेको है चीकू डाडो मशहूर है ते कराची में मिलंदो जी जी बिल्कुल छा लेन ताजो ठीक है कुछ चाहिंदो जी
अलहमदुलिल्लाह जी तां ओ भिंडी में जो मसालो मिक्स कयो थे जी उन में सबरिन नु पेरी ता छा जो ता मशीन में जो पीसे अदि मूंगफली मूंगफली हुंदी है ना जो असन छिले खाइंदा हूं मूंगफली हां अद कप जितना 4 का 5 खाने जो चमचा पीसे वो भिजणो मिस थी यो तेरा करे मां वरी रिपीट कराए तो थोड़ी देर में ता टीवी दिसंदा रहो ठीक है जी जी ओके अल्लाह हाफिज़ अच्छा 6 खाने के चम्मच डाला है ठीक है इसमें अगर मॉइस्चर फील होता है तो हम इसमें 2 खाने के चम्मच और डालेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने ज़्यादा डाला है और डाल सकती हैं 2 खाने के चम्मच लेकिन 6 खाने के चम्मच में कभी कभी बन जाते हैं कभी कभी क्या होता है आलू में भी पानी होता है ना तो वो मॉइस्चर बनता है तो आपको इसको सेट करना है तो इसमें आप 6 की जगह 8 खाने के चम्मच मैदा डाल सकते हैं 6-8 खाने के चमचन ताई वनी सगोता ठीक है जी ताके लगे ना कबाब ताके लगे पे थोड़ो कच्चो सॉरी बुरबुरो लगे पे के टुटन जो खतरो आ पो ता इन में 2 खाने जा चमचा मैदो वधाई दो आई 1 खाने जो चमचो कॉर्नफ्लोर ये आपने साथ रखनी है दोनों चीजें एक खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच मैदा मैंने इसमें बढ़ा दिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आपदा कैसी हैं जी ठीक ठाक कैरियर से बस हमारी लाइट अभी फैसल भाई आई है तो आपकी रेसिपी जो है ना वो पता नहीं कितनी आधी से ज्यादा हो चुकी है नहीं तो अभी तो रिपीट करा देना क्या मैं अभी रिपीट करा दूंगी जल्दी ठीक है आप टीवी की तरफ जाए ठीक है आप टीवी की तरफ जाओ ओके चलो थैंक यू ओके ये देखें आलू के इस तरह पीस अगर आ रहा है ना तो ये आपने निकालना है आलू जो अगर को पीस चंगी तरह आलू के पीसणो है कुटणो है उनजे बात करणो है अगर आलू जो पीस अचे तो ना पटाटन जो वो ताके कटणो पइंदो अब इसको 2 मिनट छोड़ते हैं इससे पहले हम क्या करेंगे जो भिंडी का मसाला भरा था ना भिंडियों को स्टार्ट कर देते हैं बनाना ताकि भिंडी हमारी तैयार होना शुरू हो जाए वरना फिर टाइम लिमिटेड होता है ना कोई चीज़ रह ना जाए तो यहाँ पर हमने लेना है चौड़ा सा फ्राइंग पैन ठीक है और इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल 5-6 खाने के चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं ठीक है 5-6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डीप फ्राई नहीं होगी इस तरह ऑयल गरम किया ऑयल जैसे गरम होगा ना तो भिंडियों को हमने उल्टा रखना है इसमें ठीक है फैला के तवे पे भी कर सकती हैं फ्राइंग पैन में भी और चौड़े पतीले में भी कर सकती है तवे में भी करे सकोता फ्राइंग पैन में भी करे सकोता फ्राइंग पैन ईजी रही तवे में कहो या चौड़ी कढ़ाई हुए उनमें भी करे सकोता हाँ जी ऑयल गरम थी ना तो भिंडियों जी अस भरल इनके उबुतो कर रखासी अब आँच हल्की करूँगा ताकि मसाला हमारा जले भी ना भिंडियों को उल्टा करके रखेंगे जो इसका मसाले का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए फिर इसके बाद पलटाएंगे कट वाला हिस्सा आपने इस तरह नीचे की तरफ करके लगाना है ठीक है ये कट वाला हिस्सा आपने नीचे की तरफ मैं अभी चूल्हा बंद कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए ऑयल तो भिंडियों को आपने इस तरह उल्टा करके रखना है ठीक है कट वो जो हिस्सों है ना भिंडियों जो उबुतो कर रख बाकी मसालो एकड़े पासे का बची वो तो बे पास तक पलटाई इनमें बसर भी वा सावा मिर्च भी वा अगर दिसंदा रहो ठीक है अभी इसमें प्याज भी जाएंगे एडिशन होगी बड़ी ज़बरदस्त है ये भरी हुई भिंडी और इसमें मूंगफली का टेस्ट है तो आप बेसन का टेस्ट होगा थोड़ी डिफरेंट है और बहुत ही मज़े की ठीक है इस तरह भिंडियों को आराम आराम से फैलाएं 1.5 पाव ले लें आधा किलो ले लें जितनी आप मेंबर ज़्यादा हैं तो आधा किलो ले लें वरना 1.5 पाव भी काफ़ी होती है एक ही साइज़ की बड़ी भिंडियां होनी चाहिए बहुत छोटी भिंडियां नहीं होनी चाहिए फिर वो क्या होता है कि उसमें मसाला जाता नहीं उल्टी करके रखनी है ठीक है भिंडियों के उबतो करे रखन दो इतना पैन हो आपके पास कि सारी भिंडियाँ आ जाएगा सारी एक साथ नहीं आनी तो आधी आप फ्राई करें फिर आधी बाद में करें ठीक है कोई मसला नहीं है इस तरह सारी हमारी इसके अंदर आ गई हैं ठीक है हाँ चूल्हा ऑन करना सी अपने ने चूल्हा ऑन किया है इसको कवर करेंगे और 4-5 मिनट इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे दरमियानी बाय थे इलाही हल्की भी ना हो जाए इलाही तेज़ भी ना हो जाए दरमियानी बाय थे इनके 4-5 मिनट पचन डिंदो कवर करे ठीक है और ये जो आलू का मिक्सचर है ना इसके हम बनाते हैं कबाब और इसको करते हैं फ्राई अच्छा भिंडी का जो मसाला बच जाएगा ना ये ज़ाया नहीं करना ये रखना है इसको आगे भी हमने यूज़ करना है कढ़ाई लेते हैं ऑयल गरम करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रखना क्योंकि पानी छोड़ेंगे कबाब ठीक है तो हाथ हम गीला करेंगे ऑयल से थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं उसके बाद हम ले लेते हैं एक प्लेटर जिस पर हमने सारे कबाब निकालने हैं
हाथ गीला किया ऑयल से, कबाब उठाया, बहुत ज़्यादा बड़े भी ना बहुत ज़्यादा छोटे। कच्चे आलू के कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, क्रंची ज़बरदस्त, अलग सी चीज़ें आपके लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरह इसको सेट करें, बहुत बारीक भी ना हो बहुत मोटे भी ना हो, जैसे शामी कबाब बनते हैं ना उस तरह आपने बनाना है, और इसके किनारों को सेट करते जाना है, ठीक है। जब किनारा सेट करना वेंदा हो इसको रखते जाएंगे, आप हाथ गीला करें, ग्रीस करें, पानी से भी कर सकती हैं, एक ही साइज़ के बनाएं, अच्छी तरह इसकी ग्रिप बनाएं। ग्रिप बनाने के बाद आपने इसको सेट करना है, किनारे सेट करें। भिंडी हमारी वहाँ पे हो रही है फ्राई, ठीक है। एक दफ़ा इसको खोलेंगे, ये देखें दिखा रहा हूँ कलर चेंज होना शुरू हो गया भिंडियों का, और ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी भिंडियाँ हो रही हैं तैयार, ठीक है। 5 मिनट के बाद हम इसको पलटाएंगे। टिक्कियों हाँ असू इतने इलाही वड्यू भी ना कजो, इलाही नंढियों भी ना कजो, आई आराम से इनके मिक्स कंदा वेंदो। एक ही साइज़ के कबाब अपने बनाने, ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी कच्चे आलू के कबाब। इसके लिए हमने 1 किलो आलू लिया, उसको चॉपर में चला दें, या चॉपर नहीं है तो कद्दूकश, बारीक वाला कद्दूकश करना है, फिर मलमल के कपड़े में डाल के आपने अच्छी तरह नचोड़ना है कि इसके अंदर से 1.5 से 2 कप 2.5 कप इस तरह पानी निकल जाए, इतना आपने नचोड़ना है। नचोड़ने के बाद आपने एक साइड में प्याले में रख देना है। फिर आपने दोबारा 2 बड़े प्याज, 3 अदद हरी मिर्चें मोटी वाली, अगर तेज़ हरी मिर्चें तो 2 ले लीजिएगा, या 1 भी डाल सकती हैं, 1.5 भी डाल सकती हैं, ठीक है। तो उन हरी मिर्चों को फिर आपने क्या करना है, उसके साथ ग्राइंड कर लेना, लेकिन उसका पानी नहीं नचोड़ना प्याज का, क्योंकि इसमें मॉइस्चर और टेस्ट आएगा प्याज के पानी से। मिला देना, उसके बाद हरा धनिया 3 से 4 चाय के चम्मच या 2-3 खाने के चम्मच डाल देंगे इसमें, अदरक लहसुन नहीं जाएगा, ठीक है। साबित धनिया कुटा हुआ इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ जाएगा 1 चाय का चम्मच या 1.5 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, साबित लाल मिर्च कूट के डालेंगी 6 से 7, या कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, नमक जाएगा 1 चाय का चम्मच, लेमन जूस 1 खाने का चम्मच डाल दीजिएगा मिक्स करके। फिर इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर 2 से 3 खाने के चम्मच, ठीक है, और 6 से 8 खाने के चम्मच इसमें जाएगा मैदा। मैदे को छान के अच्छी तरह मिक्स करेंगी, और अगर आपको इसमें लगता है कि नमी है मॉइस्चर है तो मैदा थोड़ा 2-3 खाने के चम्मच आप बढ़ा सकती हैं, इससे कोई मसला नहीं होता, ठीक है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, और फिर इसको मिक्स करें, इस तरह मिक्सचर बन जाएगा। हाथ गीला करके आपने इसमें बनाने हैं कबाब, ये होंगे डीप फ्राई, क्योंकि कच्चे आलू के कबाब हैं ना, तो इसको हमने डीप फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से आपके कबाब तैयार हो जाए। 12 कबाब बन जाएंगे मीडियम साइज़ के, छोटे साइज़ के करेंगी तो 14 से 15 कबाब बनेंगे। ऑयल चंगो गरम थी है, हाँ टिक्कीन के विझण शुरू करना से इसमें डालते जाएं, और फौरन इसमें चम्मच नहीं चलाना है, ठीक है। दोबारा उठाएंगी जब प्लेट से, तो फिर आपने इसको हाथ से सेट करके दोबारा डालना है, और आंच थोड़ी तेज़ रखनी है, ऑयल गर्म होना चाहिए लेकिन इतना गर्म ना हो कि आलू अंदर से कच्चा रह जाए और आपका जो मसाला है वो ऊपर से लाल हो जाए। आराम आराम से डालते जाएं। अब भिंडियों को भी चेक करते हैं, ठीक है। एक तरफ से फ्राई हो गई हैं भिंडियों को, हल्की आंच करके थोड़ा इसके जो नमी निकली है ना वो ख़त्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई आप? जी मैं अलकुमा हूँ, कैसे हैं आप? हाँ अलकुमा कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। पापा के लिए दुआ करिएगा आप। क्या हुआ है, खैरियत है? पापा का ऑपरेशन है फ्राइडे या सैटरडे को। अच्छा, किस चीज़ का ऑपरेशन है? हर्निया का। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा जी, बस आप दुआ करिएगा जी। बिल्कुल सबकी दुआ के साथ है। और आप क्या बना रहे हैं जी? क्या बना रहे हैं आप? भरी हुई भिंडी बना रहा हूँ मूंगफली के मसाले के साथ, और उसके अलावा कच्चे आलू के कबाब हैं, ये शामी कबाब की तरह बनते हैं। माशाल्लाह, ठीक है, मैं रिपीट शो में देखूंगी। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिए। जी जी अल्लाह हाफिज़। अब जब 3-4 मिनट हो जाए ना, तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये टिकिया को पलटाना है। टिकिया के फौरन ना पलटाए जो, 3-4 मिनट पचन दीजिए। यहाँ पर हमारी भिंडियाँ जो हैं ये एक तरफ से हो गई हैं, अब इन भिंडियों को हमने इस तरह पलटते जाना है। ये देखें भिंडियों के पलटाइंदा विंदो, ये मैंने इस तरफ हाथ में इसलिए पकड़ा है कि आप लोग देख सकें,
भिंडियों को हमने पलटाते जाने, छोटे चम्मच से करते हैं, फोक ले लें, इससे आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, भिंडियों जो हैं ये सजियों पलटाइंदा बनो, मसालो जो है बची हुआ है पासे का, इस तरह भिंडियों को आपने पलटते जाना ताकि दूसरी साइड से 10 मिनट में ये तैयार हो जाएंगी। ठीक है, कवर करके बनाएंगी तो बहुत अच्छी बनेंगे, मसाला निकलेगा नहीं। देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी भिंडियाँ तैयार होती जा रही हैं, ये सारी पलटाते जाएं इस तरह। और उसके बाद इसमें पलटाने के बाद 3-4 मिनट एक साइड से और पकाएंगे, उसके बाद इसको निकाल के फिर प्याज का मिक्सचर बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपका शो बहुत अच्छा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कौन सी ये रेसिपी आज बना रहे हैं? ये भरी हुई भिंडी बन रही है और कच्चे आलू के कबाब, जैसे कच्चे कीमे के कबाब बनते हैं ना, उस तरह कच्चे आलू के कबाब बन रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है, शुक्रिया। ओके, थैंक यू। देखिए भिंडियों को मैंने पलटा दिया ना, पलटाने के बाद इसको कवर करेंगे दम पे, 5 मिनट छोड़ेंगे ताकि भिंडी दोनों साइड से हमारी तैयार हो जाए। ठीक है, 5 मिनट इनके छड़ंदासी अई हाणे हिते असा, ये देखिए कबाब हमारा कितना ज़बरदस्त हो गया, इसको पलटाते जाएं। 3-4 मिनट के बाद आप कबाब को पलटाएंगी ना तो ये टूटेगा नहीं, अगर आपने फ़ौरन इसमें चम्मच चलाया तो आपका कबाब जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने पलटा दिया, फिर 4-5 मिनट इसको और मज़ीद पकने दें। बड़ी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी है कच्चे आलू के कबाब, जैसे बनते हैं ना कच्चे कीमे के कबाब वैसे ही, और बड़े ज़बरदस्त क्रिस्पी आपको लगेंगे, आप कीमे के ही कबाब खा रही हैं। बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दें। और ये हमारे कबाबों का मिक्सचर हो गया कंप्लीट। ठीक है, एकड़ो नंढड़ो ठहवा पीस ये भी थी वो। दाल के कबाब बनते हैं इस तरह, चने की दाल के, वो भी बनाना सिखाऊंगा, बहुत मज़े के बनते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आज आपको डिफरेंट रेसिपी मिली है। भिंडियाँ हमारी दूसरी तरफ से भी हो जाएंगी तो भिंडियों को हमने निकाल देना है एक प्लेटर में, हम प्लेटर भी ले लेते हैं एक साथ। और इसके बाद क्या करेंगे, भिंडियों बेपासे का तीवन है तो हाँ भिंडियों के कटी था, ठीक है भिंडियाँ हो गई, ये भिंडियाँ मैंने निकाल देनी है प्लेट में। अब इसी ऑयल में हमने आगे का प्रोसेस करना है। ठीक है, भिंडियाँ भरी हुई हैं, देखें भिंडियों से मसाला बिल्कुल नहीं निकल के आया बाहर, बिल्कुल परफेक्ट है, मसाला बाहर निकल के नहीं आया। इसकी रेसिपी एक दफ़ा रिपीट भी करा दूंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन हो कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कुछ कहना चाहेंगी? जी कुछ कहना चाहेंगी? जी मैं कहना चाहूँगी बहुत अच्छा प्रोग्राम है और भिंडी बना दें आप, मुझे बहुत अच्छी लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी? कोई फरमाइश है आपकी? जी 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 बताएं। जोर से बोलें, आपकी आवाज़ चली गई है। ओके जी, टीवी का वॉल्यूम बंद करके बात किया करें। ये देखें कबाब बिल्कुल शामी कबाब की शक्ल, वही शेप आ रहा है, ये यहाँ पे रखता हूँ आप देखिएगा, फिर इस तमाम बेहतरीन शामी कबाब वगैरह टिक्कियों ठाई हुए हैं, हाने बियों टिक्कियों हैं। अच्छा, जो टिक्की आप उठाएंगी ना दोबारा जो बना के रखी उसको एक दफ़ा आपने हाथ से सेट करना है, और अगर आपको लग रहा है चूल्हा तेज़ है तो आपने हल्का कर देना। ठीक है, भिंडियाँ भी मैंने निकाल के रखी, उसका दूसरा प्रोसेस भी करना है। अच्छा, ब्रेक का टाइम हो गया है, मैं इनको टिक्कियों को फ्राई करके निकालता हूँ, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक होने का पहले ही सामू चिक्के कबाब ठंड पिया वो तैयार थे। ठीक है, ये कबाब हमारे तैयार हो रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसको रखते जाते हैं, ये आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ईजी रेसिपी है और मैंने रिपीट भी कराई है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे कीमे के कबाब होते हैं ना कच्चे कीमे के, उसी तरह आपको लगेंगे। एक मैं तोड़ के भी दिखाता हूँ, तो बाकी जो हमारे फ्राई हो रहे हैं उनको करते हैं। अच्छा, ये जो साइड में ऑयल बचा है ना इसको पहले यहाँ शिफ्ट करते हैं ताकि हम उस रेसिपी को कंटिन्यू करें कबाबों वाली को। हे थे फ्राई थन पे टिक्कियों,
तो हाँ असो भिंडी कटी हुई ना उनके कंटिन्यू क्यों था। भिंडी जब हमने फ्राई की थी इसमें ऑयल में थोड़ा मसाला रह गया, ठीक है, ऑयल में थोड़ा मसाला रह गया। अब क्या करेंगी, चूल्हा ऑन करके भिंडियाँ निकाल दी आपने, दो प्याज लेने हाफ स्लाइस कटिंग कर देने जैसे नॉर्मल, ठीक है, दो प्याज लेने आपने हाफ स्लाइस कटिंग करने हैं, नॉर्मल कटिंग करनी। ये भिंडियाँ जब फ्राई करके आपने निकाल दी तो प्याज आपने इसमें डाला, ठीक है, और उसी ऑयल में आपने प्याज डाल के इस तरह फ्राई किया। हरी मिर्चें ले लेंगे हम इतनी, दो से तीन अदद हरी मिर्चें, दो से तीन लेंगे, बीच से कट लगा के इस तरह इसके अंदर डाल देंगे। सावा मिर्च ट्रे खड़ी मिर्च हो प्याज के साथ, प्याज को लाल नहीं करना है, सॉफ्ट करना है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं इस तरह की भिंडियों के साथ प्याज। ये प्याज हरी मिर्चें तीन चार डालें, बहुत ज़्यादा ना हो हरी मिर्चें, जितनी आपको पसंद हो हरी मिर्चें डाल दी। अब क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे जो हमारा मसाला था बचा हुआ वो, ठीक है, जो भिंडियों का बचा हुआ मसाला था ये इसमें डाल देंगे, भरने वाला जो मसाला था, ठीक है। देखो भरेल मसालो वो विझी छो, ज़ीरा एक चाय का चम्मच चला गया, जीरो एक चाय जो चमचो हे विझण का पोइन के कंदासी मिक्स। इसका कवर क्यों ले गई है, मुझे कवर तो दें इसका, देखें ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, सुखा के दो यार। बस ये आलू की टिक्कियाँ भी हो गई कंप्लीट, इनको भी निकाल लेते, लेकिन जो कलर बिल्कुल शामी कबाब वांगर थी वो इनके कटी बैठा था, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया ताकि ठंडी हो जाए। अब बस ये सॉफ्ट हो गया प्याज, इसका चूल्हा बंद करके जो मसाला भरी भिंडियाँ ये आपने ऊपर से डाल दी, मसाला भरी भिंडियाँ ऊपर से डाल दी। उसके बाद आपने हल्के हाथ से इसको प्याज के साथ इस तरह हरी मिर्चों के साथ मिक्स करना, ज़ीरा और वो जो मसाला डाला था वो, बहुत ज़बरदस्त डिफरेंट रेसिपी है ये भिंडियों की, और प्याज इसके साथ जो ये नरम हुआ है ना इसी का टेस्ट आएगा इसके अंदर, ठीक है, ये आप जब खाएंगे ना आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, हरा धनिया लेना है थोड़ा, एक खाने का चम्मच इसमें डाल दिया, एक खाने जो चम्मच सावा धाना, और उसके बाद हम इस पर लगा देंगे कवर। एक हमारी मासी ने बहुत तंग किया हुआ हर चीज़ में, ये हो गया कवर। अब इसको सिर्फ तीन चार मिनट आपने दम पे लगाना है, ठीक है, ट्रे का चार मिनट दम पे लगाइंदा सी, कबाब असांजा फ्राई थी वेन, निकाल लेते हैं कबाब, ठीक है, बहुत ही मज़े के। और कुछ हम यहाँ पे रख देते हैं, एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ, काट के, गरम है तो छुरी से थोड़ा इसको ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए किस तरह के होंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखें अंदर से आलू है, ठीक है, ये डाढ़ा मज़ेजा ठंडा है, डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कजो, ताकि ॾाढी पसंद ईंदी पटाटन जी, हिकिड़ी नई रेसिपी तव्हांखे सेखारी आहे। हरा धनिया थोड़ा सा ऊपर से पत्तियाँ इसकी गार्निश कर लें कबाबों पर, ठीक है, कल सुबह रिपीट में चलेगा, कल की रेसिपी भी देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, आप लोग की फरमाइशें हैं। इसके साथ रायता बना लें, चटनियाँ रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, रायतो ठाओ गडो, रायता तक ठाण से खाया, चटनियों ठाण से खा रहा, ये कबाब तुम चावरन से भी खाई सोता, मानी से भी खाई सोता, ठीक है। ये कबाब जो है ये आप चावल के साथ भी खा सकती हैं और रोटी के साथ भी खा सकती हैं, दोनों सूरत में ही बहुत ही मज़े के लगेंगे, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त कच्चे आलू के कबाब, और उसके साथ हम बना रहे हैं भरी हुई भिंडियाँ। बस चार पाँच मिनट इसको दम देना था, ज़्यादा नहीं, गलाना नहीं है, प्याज का क्रंचीपन ही असल टेस्ट देगा, अगर आपने प्याज को लाल कर दिया गला दिया तो टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। ये देखो भरी हुई भिंडियाँ हमारी तैयार हो गई, बहुत ही मज़ेदार, ठीक है, इनके भी कटी था उठो, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है वरना क्या होगा, जो भिंडियाँ हैं ना भरी हुई वो उसका मसाला निकल के बाहर आ जाएगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये जो क्रंची सा आपके पास प्याज आपको ये नज़र आ रहा है ना, इसी से टेस्ट आएगा, जब आप इसको मिला के इसके साथ लगा के खाएंगी तो आपको ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म की रेसिपी आज मैंने बनाना सिखाई है। कल सुबह 9 बजे रिपीट भी चलेगा, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आपकी सहूलत के लिए रिपीट चलता है। और उसके अलावा यूट्यूब चैनल बना हुआ हमारा कुकिंग विद फैसल, कुकिंग विद फैसल हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उस पर तमाम प्रोग्राम्स जो यहाँ पर मैं करता हूँ 6-7 बजे तक अपलोड हो जाते हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, जब आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करेंगी तो आपको पता नहीं चलेगा।
नोटिफिकेशन कैसे आएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो तो ताकि नोटिफिकेशन ही दो है। यानी साओ मिर्च जो है मसालो जो है जो दिसो बिल्कुल बैलेंस थी वो सजो जरूर ट्राई कजो। भरियल भिंडियो इनमें असा छावे दो है मूंगफली जो टेस्ट है, इसमें मूंगफली का टेस्ट है, मूंगफली का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ये आप ट्राई कीजिएगा। हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं कम्प्लीट। क्विक रेसिपीज़ होती हैं, जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ मैं सिखाता हूँ ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। जो मसाले हमारे घर में मौजूद होते हैं उन्हीं की वेरिएशन करके हम रेसिपीज़ बनाते हैं। ठीक है, कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा। कुकिंग विद फैसल हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। 03142675311 03142675311 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप वॉइस मैसेज करें या मैसेज करें। कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई भी बात पूछनी है, किसी रेसिपी के बारे में पूछना हो, वॉइस मैसेज या मैसेज करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल हम मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ बना रहे हैं जो आप लोग की फरमाइशें हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। सुबह 9 बजे रिपीट हलंदो। कुकिंग विद फैसल यूट्यूब पर सर्च कर सब्सक्राइब कर, तमाम रेसिपीज़ तक मिली वी जो प्रोग्राम इतने कहता हूँ। शाम जो 5 का यानी 7-8 बजे ताई वो अपलोड थी वो यूट्यूब से, लेकिन उनके सब्सक्राइब कर दो तो नोटिफिकेशन इंदा हूँ जब तक खबर पी प्रोग्राम अपलोड थी वो। लाइट जब इशू आज काफ़ी जगह से केबल जब भी इशू हूँ तो यूट्यूब की सहूलत है। पंजो खोर सारो ख्याल रख सुबह अस वरी नई रेसिपी से गुड हासिल दिंदी तेस तुआ में रखो। तमाम एपिसोड दिसो हाने HD क्वालिटी में। विजिट कयो असान जो YouTube चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो।